गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उसकी मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे जाने के लिए हमारे पास कई स्टेप्स हैं जिससे हमें पास होना पड़ता है। पहला फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिटर्मिनेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट होता क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स अ स्पेशल नंबर, ये कोई नंबर आता है दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, इसकी रो एंड कॉलम्स आर इक्वल, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहली बात तो हमारा ये सारा काम जो होगा अब हम करेंगे, डिटर्मिनेंट, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, इनवर्स, एडजॉइंट तक पहुंचते ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर चलेगा। किस पर, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको सॉल्व करके हमारे पास एक नंबर आएगा, उस नंबर को कहते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे मोड नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी टी ई ए और ए मोड, ठीक है। अब जैसे मैं कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेती हूँ, आप ए ले लो, ए आपके पास है 3, 4, 5, 9, है ना। अब मैं कहती हूँ इसका डिटर्मिनेंट लो, डिटर्मिनेंट में पहली बात तो यहाँ पे हमारा साइन ऐसे लग जाएगा, कैसा लग जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले तो मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट से हटा के मॉडुलस का साइन लगा दूंगी। अब क्या करना है, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इस वाले को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते थे, इस ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ। तो जब ऊपर वाला आता है तो हमारा साथ में क्या लग जाता है, माइनस का साइन, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था ना हमारा, वैसा सेम है। इसमें क्या आ जाएगा, 9 × 3, जब नीचे से ऊपर गए तो −5 × 4, 9 × 3 = 27, 5 × 4 = 20, आंसर क्या है 7। तो ये क्या हुआ, एक नंबर, ये क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे ही अगर मैं कोई और ले लूं नंबर 3, 6, 5, 4, ठीक है, सपोज करो मेरी ये मैट्रिक्स है 4, 6, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, 3, 6 −5 × 4, ये बना 18 − 20, आंसर आया −2। अब चाहे नंबर प्लस में आए चाहे माइनस में आए, वो डिटर्मिनेंट कहला जाता है। नंबर कोई भी हो सकता है, प्लस भी और माइनस भी। तो मैंने आपको तभी दो एग्जांपल करके दिखाए कि जरूरी नहीं आंसर प्लस में आए, आंसर माइनस में भी आता है। अब यहां से एक कंडीशन और निकलती है, अब मेरे पास सपोज करो एक एग्जांपल और है, ये अभी मैं 2x2 पे कर रही हूँ, आपका 3x3 पे भी आएगा। ठीक है, आप एक मैट्रिक्स लेते हो, सपोज करो ए या बी ले लो, सपोज बी मैट्रिक्स ले लिया आपने 3, 5, 5, 3, है ना, 3, 5, 5, 3, 3 × 5 −5 × 3, यहां से क्या आया 15 − 15, कैंसल। तो बी डिटर्मिनेंट, मैंने मैट्रिक्स ली थी 3, 3, 5, 5, अब डिटर्मिनेंट लूंगी तो मेरा ये बन जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमारी वैल्यू 0 भी आ सकती है, ठीक है। तो हमने ले लिया कि डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी। तो ये दोनों जो नंबर हुए, ये हुए नॉन जीरो नंबर, ये क्या कहलाए, नॉन जीरो हो गया, ये हो गया 0। जब पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो वो नॉन जीरो बन गया नंबर और ये 0। ये मैं इसलिए बोल रही बेटा क्योंकि इस पर ये हमारा अब नेक्स्ट कंसेप्ट डिपेंड करेगा, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट कुछ भी आ सकता है ना। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू से ही हमने देखना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब मैट्रिक्स कब सिंगुलर होती है, कब नॉन सिंगुलर होती है, जब नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर, जब जीरो है तो सिंगुलर, नॉन नॉन, नॉन जीरो नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन जीरो नॉन सिंगुलर, जीरो सिंगुलर, मतलब कि आपके पास
ए मैट्रिक्स जो थी ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड बी इज अ सॉरी ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. क्यों? क्योंकि ए की जो वैल्यूज आई थी वो नॉन जीरो आई थी. डिटर्मिनेंट वाज नॉन जीरो. डिटर्मिनेंट वाज नॉन जीरो. डिटर्मिनेंट वाज जीरो. तो आपने डिटर्मिनेंट देखा. डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या है? एक मैट्रिक्स ली मैंने ए बी सी डी. तो जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो इसकी पहले तो साइन बदल जाएंगे, मतलब कि लिखने का तरीका बदल जाएगा. फिर हमने ऊपर वाले को नीचे से कर देना है, नीचे वाले को ऊपर से कर देना विद चेंज साइन. ठीक है? तो जब ये वैल्यू जो है, जब ये वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगी, तो जब नॉट आ गया तो नॉन, ठीक है, सिंगुलर. अब मैं जनरल वे में बता रही हूं, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को शो करेगा. और अगर ये जीरो आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स को शो करेगा. तो अब आपके साथ जो मैंने आपको, वो तो आपको मैंने डेफिनेशन दी, ताकि आप कहते हो ना हमारा काम रह गया, हमारा पीडीएफ, तो मैंने वो पहले ही दे दिया था. फिर मैंने आपको असाइनमेंट दे दी. अब मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया क्या होता है मैट्रिक्स और क्या होता है. और मैट्रिक्स से ही हम डिटर्मिनेंट निकालकर दो तरीके की मैट्रिक्स को शो कर देते हैं कि मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है. अगर वैल्यू जीरो के अलावा आ रही है तो नॉन सिंगुलर, अगर वैल्यू जीरो आ रही है तो सिंगुलर. जैसे अब आपके पास एक एग्जांपल है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर. अब मैंने डिटर्मिनेंट लिया, अभी आपको रोज एंड कॉलम ऑपरेशन निकालने नहीं आते हैं. तो ये अभी जब आप धीरे धीरे सीखोगे डिटर्मिनेंट उसी पे आएगा. तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया 3x3 का. अब देखो इसमें सिंपल समझ लो, इसमें सिंपल वैल्यू आपकी क्या आ गई है, जीरो. तो जीरो आ गई तो क्या लिख दिया मैंने, सिंगुलर. अभी मैं इसको आपको छोटे, तो आपने ये देख लिया कि अगर तो मैट्रिक्स जीरो आ रही है, डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अब अगला कॉन्सेप्ट हम कल डिसाइड करते, कल हम करते हैं हम आपके साथ इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ अ मैट्रिक्स. और उसके बाद हमारे कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स के बाद हम आ जाएंगे, हम कल करेंगे अब इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ अ मैट्रिक्स. उसके बाद हम लेंगे कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स. और जब हमारे इनवर्स का हमें पता चल जाएगा, सिंगुलर इनवर्स के लिए सिंगुलर का होना बहुत जरूरी, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर का पता होना बहुत जरूरी है. इनवर्स के बाद हमें कोफैक्टर्स निकालने आने बहुत जरूरी हैं. और उसके बाद हम एडजॉइंट पे पहुंचेंगे. थैंक यू.